पूरे भारत में प्रदर्शन हुआ, किसान एक साल तक बैठा रहा और सरकार को आखिर में थूक कर चाटना पड़ा और अपने काले कानून वापस लेने पड़े। ये बगावत नहीं है, ये इंकलाब है और ये इंकलाब की आवाज गुजरात से शुरू होगी और पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो देश के शहीदों के जो कफन आए थे कारगिल में, उस कफन में पैसा खा गए थे। दरिया तेरी खैर नहीं, लहरों ने बगावत कर दी है और मोदी जी से कहूंगा कि ये तलवार तुझे झुकना होगा। अब गर्दन ने बगावत कर दी है, ये जो गर्दन आपको दिखी है ये बगावत की गर्दन है। सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि हमारे चौकीदार बनेंगे ये अग्निवीर, तो क्या युवाओं को बीजेपी की चौकीदारी करने के लिए पला बड़ा किया गया है? अग्निपथ की आग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार को इस बार जला के राख कर देगी। 18 साल की उम्र में भर्ती होगा तो 22-23 साल के उम्र में रिटायर होकर करेगा क्या? ये सरकार सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? इस आंदोलन को हम गली गली में ले जाएंगे। सरकार जब तक अग्निपथ वापिस नहीं लेगी सरकार को छोड़ेंगे नहीं। मैं गुजरात युवा कांग्रेस का अध्यक्ष हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 में बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के झूठ और फरेब से सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा किया था। 8 साल हो गए हैं, 2 करोड़ तो छोड़िए, 2 लाख रोजगार भी सरकार 8 साल में दे नहीं पाई है। और सरकार की इस सरकार के शासन में 45 साल में पहली बार इतनी सारी बेरोजगारी है और वो बेरोजगारी गुजरात में भी है। सरकार ने एक लॉलीपॉप दी है युवाओं को, सेना में भर्ती के नाम पर 4 साल नौकरी देंगे, रिटायर होने के बाद 11 लाख देंगे और फिर अपने आप रस्ते पर जाओ। अरे साहब, सेना का जो गौरवंता इतिहास रहा है, 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, जिसने पाकिस्तान के 2 भाग किए हो, ऐसी सेना में अगर कोई युवा नौकरी करेगा, अगर सेवा देगा, अगर बलिदान देगा, तो क्या 11 लाख उसकी कीमत कर दी है सरकार? सरकार ने जब जो किसान कानून लाए थे, 3 काले कायदे, सरकार उस दिन भी कहती थी कि हम कायदे वापिस नहीं लेंगे। पूरे भारत में प्रदर्शन हुआ, किसान एक साल तक बैठा रहा और सरकार को आखिर में थूक कर चाटना पड़ा और अपने काले कानून वापस लेने पड़े। हम यही मानते हैं कि युवा के आक्रोश के सामने सरकार को झुकना पड़ेगा। सेना प्रमुख को भी सोचना चाहिए कि वो जिस सरकार में भर्ती होकर आए हैं, जिस सरकार ने उनको नौकरियां दी थी, जिस सरकार ने उनको सम्मान दिया था, उस सरकार की करनी और कथनी और अभी की सरकार की कथनी और कथनी में कितना अंतर है? क्या उस टाइम जो भर्ती हुए वो केवल 11 लाख में भर्ती होते? क्या वो 4 साल के लिए भर्ती होते? वो नहीं होते। अगर वो भी फुल, ये देश की सबसे बड़ी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना के ऊपर है, उसमें अगर कोई जवान नौकरी करना चाहता है तो कम से कम उसको 1 साल की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि वो ट्रेनिंग से लेस होगा तभी सरकार और सेना की कम से कम है। तो सरकार ने 6 महीने की ट्रेनिंग रखी है, 4 साल की नौकरी रखी है और उसके बाद 25% को रखेंगे, 75% को छोड़ देंगे। तो जो 18 साल की उम्र में भर्ती होगा तो 22-23 साल के उम्र में रिटायर होकर करेगा क्या? ये सरकार सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए? हिंदू सरकार के मंत्री उनको चौकीदार रख रहे हैं अपने कार्यालय में, ये अहम बिंदु है क्या सरकार का? सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोलते हैं कि हमारे चौकीदार बनेंगे ये अग्निवीर, तो क्या युवाओं को बीजेपी की चौकीदारी करने के लिए पला बड़ा किया गया है? विजयवर्गीय जी अपने बेटे को 4 साल में अग्निवीर में भर्ती करे और रिटायर होने के बाद कमलम जो दिल्ली का है बड़ा कार्यालय वहाँ चौकीदार रखे और सरकार मैसेज दे युवाओं को कि हम अपने बेटों को भी चौकीदार रखेंगे, तब जाके ना उनके बेटे तो बैठ लेकर अधिकारियों को मारते हैं और फुल दबंगई करते हैं और हमारे जो बेटे हैं सामान्य घर के, उनको 4-4 साल की लॉलीपॉप देकर ये युवाओं का शोषण हो रहा है। सरकार की जो अभी IT सेल है उसकी एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसको क्लियर मैंडेट दिया गया है कि इस योजना का प्रचार करो और योजना का प्रचार अगर नहीं हो रहा है तो पेंशन के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर, 70 साल के नाम पर बगलाओ युवाओं को। ये स्कीम सरकार की चलने वाली नहीं है। आज युवा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को खारिज कर चुका है। धरातल पर आइए, धरातल पर सच्चाई ये है कि युवा सरकार की इस योजना से नाराज है, सरकार को उखेड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है। ये देश जो बुजुर्ग है उनके आशीर्वाद से चलता है और युवा के जोश से चलता है, दोनों की जरूरत है। अगर एक भी नहीं होगा तो देश नहीं टिक पाएगा। कांग्रेस पार्टी, विरोध पक्ष और युवा बुजुर्गों का भी सम्मान करते हैं और युवाओं का जोश का सम्मान करते हैं, दोनों मिलकर इस योजना का विरोध करेंगे और इस योजना को वापिस लेना होगा किसी भी हालत में लेना होगा, चाहे हमारा खून बहे। मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। मैं अगर बीजेपी मुख्यमंत्री को अगर माला पहनाऊंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं पहनाऊंगा अगर ये योजना वापिस लेते हैं। अगर ये कहते हैं कि हम राजनीति रोटियां सेक रहे हैं ना, कल के दिन ये योजना वापस ले, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष खुद जाऊंगा।
जाऊंगा, माला लेकर जाऊंगा अगर ये योजना वापस लेते हैं तो। हम जानते हैं कि नहीं लेंगे क्योंकि युवा विरोधी सरकार। आप भी उनकी बातों पर भरोसा करती है, यकीन करती है? मुझे आप पर भी हंसी आ रही है। 2014 में 2 करोड़ यकीन नहीं मेरा सवाल। नहीं नहीं, आपका सवाल भी मैं आपने सवाल पूछा इसलिए आपने यकीन किया होगा। 2014 में 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, आज 8 साल हो गए, 16 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए। फूटी कौड़ी नहीं दिए युवाओं को, एक रोजगार नहीं दिया है। 45 साल में बेरोजगारी चरम सीमा पर है। अगर फिर भी हम इनकी योजनाओं का भरोसा करते हैं तो हमें अपने आप को सोचना पड़ेगा कि हमें सरकार का भरोसा क्यों करते। कि आज हम जिस जगह पड़ेगा उसका जिसे हम जिस जगह खड़े हैं ये आनंद है। ये सरदार की जन्मभूमि और कर्मभूमि है। सरदार जब देश के पहले गृह मंत्री थे, सरदार के जो कभी अन्याय सहन नहीं करते थे, इस जगह में खड़े होकर आज यूथ कांग्रेस कह रही है इस आंदोलन को हम गली गली में ले जाएंगे। सरकार जब तक अग्निपथ वापस नहीं लेगी सरकार को छोड़ेंगे नहीं। हमारे डीएनए में सरदार गांधी है, क्यों ना चले उनके पदचिन्हों पर। देखिए हमारा स्पष्ट आक्षेप है कि सरकार अपने लोगों को उस भीड़ में शामिल करती है, उन्हीं से आग चंपी करवाती है और युवाओं को बदनाम करती है। आज हजारों की संख्या में युवा यहाँ इकट्ठा है, आप भी देख रही है, क्या किसी ने कायदा कानून हाथ में लिया? हमको कायदा कानून हाथ में नहीं लेना है। बेजार जा रहा है, बड़ा बयान मेरा आक्षेप है, प्रोपोगंडा है भारतीय जनता पार्टी का। जहाँ अगर भी युवा आंदोलन कर रहा है वहाँ उनके कार्यकर्ता जाते हैं, आगजनी करते हैं और जनता में ये माहौल बनाते हैं कि युवा हिंसा पर उतारू है, युवा हिंसा पर उतारू नहीं। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मध्य प्रदेश से हूँ, युवा कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ और आनंद में आके काम कर रहा हूँ। मैं केवल 2 लाइन में अपनी बात कर दूंगा कि दरिया तेरी अब खैर नहीं लहरों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी अब खैर नहीं लहरों ने बगावत कर दी है। और मोदी जी से कहूंगा कि ये तलवार तुझे झुकना होगा, अब गर्दन ने बगावत कर दी है। ये जो गर्दन आपको दिखी है ये बगावत की गर्दन है। बिल्कुल, ये आबाद जो गुजरात में विश्व हमारे बाघेला साहब प्रदेश अध्यक्ष जी जो लगे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस पार्टी जो कर रही है और पूरे हिंदुस्तान में, अभी आपने देखा दिल्ली में जब हमने आवाज उठाई हमारे यूथ कांग्रेस के नेता और हमारे कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया गया ये पूरा देश देख रहा है। अग्निपथ की आग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सरकार को इस बार जला के राख कर देगी। ये देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैं विश्वनाथ भाई की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। जब 3 काले कानून बनाए थे तब एक के बाद एक मंत्री, उनके सचिव, संतरी, सारे लोगों ने आके कहा था कि काल ये कानून वापस नहीं होंगे। मजबूरन में मोदी जी को देश से माफी मांगनी पड़ी और कानून वापस लिया। और जो राहुल जी ने कहा उस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि अग्निपथ योजना भी नरेंद्र मोदी वापस लेंगे और माफी मांगेंगे इस देश से। बिल्कुल होगा क्योंकि इस देश में पहले हमारे किसानों को कुचलने की कोशिश की गई, उसके बाद हमारे युवाओं को कुचलने की कोशिश की गई। किसानों ने कहीं भी हार नहीं मानी, 1 साल से ज्यादा संघर्ष किया, हो सकता है हमें संघर्ष और ज्यादा करना पड़े। बिल्कुल मैं सहमत हूँ और इस बात को लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व में ने आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, श्रीनिवास जी और गुजरात में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी सब लोगों को ये कह रहे हैं कि हमें सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना। और आपने देखा होगा आनंद में किस तरह से हमने शांति मार्च निकाला, क्योंकि हम सरदार पटेल और गांधी के वंशज हैं। हम गुजरात में शांति और अमन चाहते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी जैसी तोड़फोड़ की और आगजनी की घटना नहीं करना चाहते। गुजरात में आपने देखा है किस तरह मोदी के राज में हुआ था। मैं मध्य प्रदेश से नर्मदांचल से हूँ, नर्मदा का पानी पीता हूँ और गुजरात के लोग भी उसी नर्मदा का पानी पीते हैं। हम लोगों की भावना एक है, देश की भावना है, संविधान की भावना है, लोकतंत्र की भावना है। ये बगावत नहीं है, ये इंकलाब है और ये इंकलाब की आवाज गुजरात से शुरू होगी और पूरे हिंदुस्तान में चलेगी। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है कि आप, मैं तो इसके सामने किसानों का मुद्दा भी छोटा मानता हूँ जो काले कानून का था। ये देश की रक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उससे ज्यादा अहम मुद्दा है ये, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की सेनाओं पे चीन, पाकिस्तान चारों तरफ से डटे हुए हैं। ये लोग सेना को कमजोर कर रहे हैं, सेना का बजट इन लोगों ने घटा दिया है, सेना के साथ में जो अपमान हो रहा है, अंदर जो सैनिक बैठे हैं वो भी इस भर्ती से खुश नहीं है। आप सैनिकों के साथ में और जो नए लड़के तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में कुठाराघात कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा इस देश में। अगर इतना बड़ा स्कीम लेकर आते हैं आप देश की सेना से जुड़ा हुआ, तो आपको सबसे पहले लोकसभा में प्रत्येक व्यक्ति से बात करनी चाहिए, प्रत्येक दल से बात करनी चाहिए, प्रदेश के सभी मुखियाओं से बात करनी चाहिए, प्रदेश के राज्यपालों से बात करनी चाहिए, आपको उन प्रदेश के मुखियाओं से बात करनी चाहिए जिनकी सीमाएं पड़ोसी मुल्क से जुड़ी हुई है।
नहीं, इस सरकार पे किसी को विश्वास नहीं है। ये लोग नोटबंदी लेकर आते हैं, देश अस्वीकार करता है। जीएसटी लेकर आते हैं, देश अस्वीकार करता है। ये काले कानून लाते हैं, देश को पसंद नहीं। ये लोग अभी अग्नि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में सिर्फ एक एजेंडा चल रहा है, वो है सिर्फ सांप्रदायिकता। इसके अलावा देश के विकास से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो उस बेस पर चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने युवाओं को ललकारा है। तो हम बीजेपी सरकार को बता देंगे कि युवा क्या होते हैं। ये 2022 का चुनाव गुजरात में हो रहा है, इस चुनाव में युवा और किसान ये मिलकर इनको बताएगा कि अहंकार और घमंड की राजनीति किस तरह से परास्त होती है। इसका जवाब हम इलेक्शंस में देंगे। मैडम, गुजरात में ये पूरा प्रोग्राम चलेगा और गुजरात के युवा, गुजरात में जो रोजगार के लिए लालसा रखते हैं युवा, उनके माता पिता जो इच्छाएं रखते हैं कि हमारा बेटा कुछ करे, कुछ बने, क्या आप उस व्यक्ति को 4 साल के लिए अग्निपथ में भेजना चाहते हो? वो 4 साल के लिए वहां जाकर क्या करेगा? 1 साल ट्रेनिंग करेगा, कम से कम 2-3 महीना उसको छुट्टी भी चाहिए होगा 4 साल। इसका जवाब ये देना चाहूंगा सेना प्रमुखों को, उनका बहुत मान सम्मान और आदर करते हुए, ये जो सरकार है ये पेगासस सरकार है। अच्छा। इसने जिस पर दबाव बनाया है, ये सरकार वो सरकार है जो राहुल गांधी से 5 दिन पूछताछ करती है लेकिन मिलता कुछ भी नहीं है। ये सरकार वो सरकार है जो 2015 के मुकदमे जो बंद हो चुके हैं उनको वापस चालू करती है। ये सरकार सबको दबाने का कार्य करती है। इस सरकार का प्रेशर, आपको लगता है कि सेना प्रमुख भी दबाव का कारण बन रहे? दबाव का कारण नहीं बन रहा, ये सरकार दबाव बना रही है। ये सरकार, इनकी जो सोच है वो तानाशाही सोच है। इनका ये मानना है कि इनका कोई विरोध नहीं करे, इनके सब पक्ष में बोले। आज हम लोग भी उनके पक्ष में हो जाएंगे तो हमें माला पहना के बुलाएंगे, आइए आप भी आइए हमारे पास में। लेकिन हम लोग सच्चे देशभक्त हैं, हम वो नकली देशभक्त नहीं है। ये कौन है? ये वो लोग हैं जो देश के शहीदों के जो कफन आए थे कारगिल में, उस कफन में पैसा खा गए थे। ये लोग राफेल विमान में पैसा खा गए, ये लोग सेना का जो पैसा है उसको खा गए। विपक्ष पे विश्वास होगा, धीरे धीरे होगा। 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस पार्टी 10 साल तक जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, देश ने पसंद नहीं किया, हमारी सरकार चली गई। अब इन लोगों की सरकार है, आ जाएंगे, आने दो इनको। लेकिन जब देश समझ जाएगा, जब देश को समझ में आएगा, कभी भी जैसे राहुल जी कहते हैं कि झूठ कितना भी हो लेकिन अंत में उसकी हार निश्चित है, उसकी तय है, अंत में विजय सिर्फ और सिर्फ सत्य की होगी।